प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं संदीपन आश्रम। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरु संदीपन के आश्रम से नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि संदीपन का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु संदीपन द्वारा उकेरे गए थे। पुराणों में उल्लिखित गोमती कुंड पुराने दिनों में आश्रम में पानी की पूर्ति का स्रोत था। नंदी की एक छवि तालाब के पास शुंग काल के समय की है। दोस्तों, देखा आपने संदीपन आश्रम। अब संदीपन आश्रम के साथ साथ हम उज्जैन की हमारी इस यात्रा को देते हैं विराम। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो नई यात्रा में। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय।